सचिन पायलट का जन्मदिन, 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 सचिन पायलट का जन्मदिन। चारों ने गाड़िया भर में डाल दो, पाँच की आड़ी भी डाल दो, ला दो, दो चार और ला दो। ले तेरे को अरे आगे जाओ, हां आगे दो। कितना जोश पायलट साहब के जन्मदिन पर आया, सुना नाच गाने भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, चारा भी खिलाया गया है। सचिन पायलट जी का जन्मदिन जबरदस्त मनाया गया है। पूरी कांग्रेस, जिले की कांग्रेस सब एकत्रित हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सऊद सेदी और सभी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए, जश्न जबरदस्त मनाया। हम लोगों ने यहां पर आके रंजका बांटा और अभी स्टेडियम में केक काट कर आए। माननीय मैं सचिन पायलट जी के लिए सिर्फ इस जन्मदिन पर एक चीज़ सुना सकता हूँ आपको, वो है कि तुम्हें और क्या दे दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। इससे ज्यादा जोश नहीं आ सकता। सभी कांग्रेस में और पूरे राजस्थान में जोश है पायलट साहब के जन्मदिन को देख। 2028 में पायलट साहब सीएम बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम ये भी कह रहे हैं यहाँ भी सीट नहीं छोड़ेंगे, 25 साल तक यहीं रहेंगे कांग्रेस, सचिन पायलट यहीं रहेंगे और आने वाले सीएम में कुछ भी कर लो आप, हर समाज उनके साथ है। देख किस तरह का आयोजन किया गया, क्या पूरा मामला? आज 46वें जन्मदिन पर पायलट साहब के एकता और भाईचारे, हमें हमेशा कहता हूँ कि भाईचारे की सीख है हमारे पायलट साहब और एकता की लीक है हमारे पायलट साहब। ये जानता है पूरा राजस्थान, ये जानता है पूरा भारतवर्ष, विकास के एकता के प्रतीक हमारे पायलट साहब। पायलट साहब गो सेवा के रूप के अंदर आज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, दीर्घायु के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश में खुशहाली के लिए। और एक राजनीति के अंदर जो शुचिता और शब्दों की जो मर्यादा जो भंग की जा रही है और संविधान के बारे में जो लोगों के बारे में और सामाजिक समरसता जो तोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें पायलट साहब का जो विजन है, पायलट साहब का जो रोडमैप है, वो उस माध्यम से आज ये सभी कांग्रेसजनों ने ये 47वां जन्मदिन मनाया है इस संकल्प के साथ कि पायलट साहब युवा, महिला, बालक, किसान सभी लोगों के विचारधारा को पल्लवित और पोषित करते हुए संविधान की रक्षार्थ जो पायलट साहब जो कार्य कर रहे हैं, हम सभी लोग परमपिता परमेश्वर से, अल्लाह ताला से, सभी से, हम सभी समुदाय के लोग, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने उनकी दीर्घायु की कामना की। इस कामना के साथ कि जिस शुचिता की बात कर रहे हैं, जिस देश के अंदर स्वच्छ राजनीति की वो बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे संकेत है और वो दीर्घायु रहे, चिरंजीवी रहे और उनकी वो हमारे साथ उनका वर्चस्व हमारे साथ बना रहे। पायलट साहब के अंदर 2028 का मुख्यमंत्री भी नजर आ रहा है। पायलट साहब में वो सब गुण मौजूद है राजनीति में, जो राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री सारे गुण उनके अंदर मौजूद हैं और उन्होंने जो राजनीति में शुचिता की बात की है, शब्द विन्यास और शब्द को जो लोग भावबंदी में खत्म कर रहे हैं उस बारे में उनको विजन है। 2028 के सीएम की बात कर रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, उनमें सारी ही चीज़ें हैं और वो हमेशा एक बात ये कहते हैं कि पार्टी के लिए अभी वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस को सशक्त करने के लिए, युवाओं में जोश भरने के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए काम कर रहे हैं और उनमें सर्वगुण संपन्न है, वो हर सीट के लिए अवेलेबल वो है। कुछ तो जोश नजर आया ना।
समीर भाई जो बैठेगा वैसे बिठाएंगे। आ गया, बेजर लेके आ गया, सुरेंद्र भाई
ये